लेकिन वे घर की गृहिणी की सहायक होती थी, ऑल्टरनेटिव नहीं। आज ऑल्टरनेटिव हो गया, घर की गृहिणी की सहायक नहीं है। घर की गृहिणी खाना बना रही है तो ये सब्जी काट देगी, चीजें ला देगी, बर्तन इधर के उधर रखेगी, ऐसे सहायता करेगी। आज सहायता नहीं कर रही, वो आती है अपना झाड़ू पोछा करती है, वो इधर टीवी देखती है, अखबार पढ़ती है या और काम भी करती है, वो कोई बात नहीं कि वो उपयोगी काम भी करती होगी, लेकिन सर्वेंट हैज बिकम द ऑल्टरनेटिव फॉर द गृहिणी। गृहिणी गृहम उच्यते ऐसा नहीं रहा। तो घर के सारे काम बच्चों को आना ही चाहिए। परीक्षा में 4 नंबर कम आए तो चलेगा, कुछ नहीं बिगड़ता। परीक्षा में 4% कम आए तो भविष्य का जीवन क्या उसके ऊपर आधारित है? लेकिन काम करना नहीं आया तो रस नहीं रहेगा, गृह जीवन में रस नहीं रहेगा, प्रीति नहीं रहेगी। और जो प्रीति से बॉन्डेज होता है घर के लोगों के बीच में, वो बॉन्डेज भी नहीं रहेगा और फिर मतलब की दुनिया हो जाएगी। इसलिए काम सिखाना कैसे सादे सादे, मैंने वो बर्तन अगर सारे बर्तन उठाकर चौके में भी रखना है तो कांच का गिलास जिसमें पानी पिया है वो, और वो कढ़ाई जिसमें कुछ तला हुआ है और वो तेल वाली, दोनों एक साथ रख देंगे। जीन्स का पैंट और सिंथेटिक माने पॉलिएस्टर का ये शर्ट, दोनों एक साथ धोने में डाल देगी। ये क्या है, आता जाता ही नहीं कुछ भी, कि धोए कैसे जाते हैं, साफ कैसे किए जाते हैं, ये कुछ नहीं मालूम कुछ। क्यों? सीए पढ़ रही है, इंजीनियर होगी, डॉक्टर होगी, ऐसा होना है। घर को सीए से भी ज्यादा गृहस्थ और गृहिणी की आवश्यकता होती है, बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर से ज्यादा माता पिता की आवश्यकता होती है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन साथ में पिता और माता तो बनना ही है। आप और कुछ भी बनो तो भी माता पिता तो बनना ही है, पति पत्नी तो बनना ही है। बाहर की दुनिया भले ही कितनी व्यापक और विशाल हो तो भी घर तो घर है ही, और घर को घर रखना भी है। इसलिए बच्चों को घर के काम सिखाना, इसका विस्तार आप अपनी अपनी पद्धति से कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, सेवा करना सिखाना। सेवा और परिचर्या बिल्कुल नहीं आते। दादाजी के पैर दबाना आता ही नहीं और अच्छा भी नहीं लगता, यह नर्स का काम है, मेरा काम है, ऐसा भी लगता है। नित्यम वृद्धोपसेविनः, हमेशा जो वृद्धों की बड़ों की सेवा करते हैं उसका आयु, विद्या, यश, कीर्ति सब बढ़ता है। इसलिए सेवा करना सिखाना, परिचर्या करना सिखाना, ये बहुत आवश्यक है। 10वीं में पढ़ रहा है पुत्र और माँ भी बैंक में काम कर रही है, वो बैंक से आकर घर में खाना बना रही है, काम कर रही है, बालक 10वीं का पढ़ रहा है। माँ को प्यास लगेगी तो बालक अपना पुस्तक एक तरफ रखकर पानी लाकर देगा, या बालक को प्यास लगेगी तो माता अपना काम छोड़कर पानी लाकर देगी? टेस्ट इज इन एवरी होम। माँ ही अपना काम छोड़कर बच्चे को पानी लाकर देती है। कितने वर्ष का बालक है अभी? 15 वर्ष का बालक है। मातृदेवो भव का क्या हुआ? मातृदेवो भव कहाँ है? कहाँ का वचन है? माता की, माता पिता की सेवा करो कहाँ गया? 10वीं की पढ़ाई ज्यादा है या माता की सेवा ज्यादा है? मातृदेवो भव कहाँ सीखेगा? दिस इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। तो माता कहेगी क्या, सिखाएगी? माता सिखाएगी? अरे मातृदेवो भव, मुझे तुम पानी ला कर दो? नहीं, घर में दादा, दादी माँ ने, दादाजी ने, पिता ने सिखाना चाहिए। छोड़ो पुस्तक, छोड़ो पहले, खड़े हो जाओ, ले आओ पानी और माँ को दो पहले।
ये बाकी लोगों ने मातृदेवो भव प्रैक्टिकली सिखाना चाहिए, बाकी लोगों ने पितृदेवो भव प्रैक्टिकली सिखाना चाहिए, आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। आज घरों में पूरे घर का कोई अतिथि नहीं होता, बच्चों का तो होता ही नहीं, पिताजी के मित्र होते हैं, माँ की सहेली होती है, सगे संबंधी भी वो बड़ों के ही होते हैं, बच्चों का कुछ नहीं। बच्चे दे डू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ अतिथि धर्म, अतिथि सत्कार का हिस्सा बच्चे नहीं बनते, वो बनने चाहिए, बिकॉज दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल फैमिली, पूरे घर का अतिथि वो बच्चों का भी अतिथि है। तो अतिथि सेवा, वृद्ध सेवा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सब छोटी 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 बातों से प्रैक्टिकल में सिखाने की जरूरत है। और उसी समय करना माने करना, ऐसी आज्ञा का पालन, नियम पालन, अनुशासन, ये अग्नि है, ये अग्नि है। हमारे एक कार्यकर्ता ने अपना उदाहरण बताया कि मैं छोटा था तो दादाजी हमारे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन हम दादाजी से डरते भी बहुत थे, हिम्मत नहीं होती थी कुछ उनके सामने बोलने की। तो हमें वो फिल्म देखने के लिए भी ले जाते थे। तो एक बार कोई विश्वामित्र की ऐसी शिवाजी महाराज की फिल्म आई थी और हम देखने के लिए जाना चाहते थे, तो मैंने दादाजी को जाकर कहा, दादाजी शिवाजी महाराज की फिल्म आई, मैं और मेरा मित्र देखने के लिए जाएंगे, पैसा दो। उनको उसको कल्पना भी नहीं थी कि दादाजी मना करेंगे, क्योंकि वो हमेशा जाते थे और दादाजी प्रेम भी करते थे। दादाजी ने कहा बिल्कुल नहीं जाना है। तो हमने इतने उत्साह से कहा था और दादाजी ने एकदम मना कर दिया। अब एक बार दादाजी ने ऐसे स्वर में कहा कि नहीं जाना है, तो आगे कुछ भी बोलने की, पैर पटकने की, तर्क करने की, शिवाजी महाराज की फिल्म है ऐसा कहने की हमारी हिम्मत नहीं थी, बैठ गए, क्या करते। तीसरे दिन दादाजी ने बुलाया, फिल्म देखने जाना है ना, जाओ तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों जाओ, और पैसा भी दिए, बीच में इंटरवल में ये खाना भी, ऐसा करके भी पैसे दिए। हम गए, उस समय तो मन में आया कि परसों हम कह रहे थे तब मना किया, और आज सामने से बुलाकर कहते जाओ, लेकिन हम उस समय तो पूछने की हमारी हिम्मत ही नहीं थी। मैं जब बड़ा हो गया, कॉलेज में आया, तो मेरे मन से, दिमाग से वो बात गई नहीं थी। फिर मैंने दादाजी से पूछा कि उस समय का अभी मुझे ध्यान में है कि हम जब कह रहे थे तब आपने मना किया, और फिर आपने ही, अगर जाने ही देना था तो हमने कहा तब क्यों मना किया। दादाजी ने कहा इसलिए मना किया, मन में आया तो तुरंत करना ही, ऐसा नहीं होना चाहिए, मन को वश में रखो, मन में आया तो करना, ये संयम नहीं है, इससे मन की ट्रेनिंग नहीं होती है, इसलिए मन में आया वो करना ऐसा कभी भी नहीं, संयम में रहो, संयम में रहो। लेकिन फिल्म देखने में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए बाद में भेजा, लेकिन पहले मन में जो भी आया वो दादाजी को कहा तो हो जाएगा, माँ को कहा तो हो जाएगा, नहीं तो आजकल बच्चे ये भी सीख गए, चार बार कहने से फिर माँ हाँ कह देती है, ठीक है चार बार कहे तब तक माँ के ताने भी सुन लो, भी ना भी सुन लो, सब कुछ सुन लो, पांचवी बार तो वो हाँ भी हाँ कहने ही वाली है। नहीं, एक बार ना कहा, हजार बार सोच विचार करके तय करके मना करो, और एक बार मना किया तो उसका हाँ कभी भी मत करो, नहीं तो बच्चे आपसे होशियार होते हैं, वो समझ जाते हैं, ठीक है ये चार बार ना कहने का इनका स्वभाव है, जब पांचवी बार में हाँ कहेगी, और हम भी ऐसा ही करते हैं, तो दे आर बेटर जज, वो हम पर अपने आप को जितना जानते हैं उससे ज्यादा बच्चे हमको जानते हैं कि ये कैसे हैं और क्या हैं और इनके साथ कैसा करना चाहिए। जो हाँ ना का हाँ होता ही नहीं है, उनके भी बच्चे समझ जाते, ना कह दिया ना, अब आगे कहने की कोई अर्थ ही नहीं है, वो ईद का कभी भी हाँ नहीं होने वाला है, बच्चे जान जाते हैं। इसलिए सेवा करना, काम करना, संयम में रहना, अनुशासन, आज्ञा पालन, नियम पालन, ये इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में जगना माने जगना, उठकर जब तक सूर्य नमस्कार किए नहीं कोई बात ही नहीं करना, और फिर ठीक करता है कि नहीं करता वो देखना, और नहीं ठीक करता है ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है करके करके भी दिखाना। ऐसे जहाँ पिता होते हैं वहाँ बच्चों की गठन में कोई चिंता की बात नहीं है, और ये पिता को छोड़कर और कोई कर भी नहीं सकता है, वही कर सकता है। अब जो वही कर सकता है वो उसने ही करना चाहिए, और कोई हायर करके थोड़ा लाया जाता है। सूर्य नमस्कार हायर करने वाला सिखा तो देगा, लेकिन उससे जो चरित्र के संस्कार बनने चाहिए सूर्य नमस्कार के प्रति, और सूर्य नमस्कार करवाने वाले पिता के प्रति भी जो लगाव और आदर और स्नेह होता है वो हायर किए हुए लोगों के साथ नहीं होता। इसलिए घर में इसकी चिंता करने वाले लोग चाहिए। भविष्य के लिए मैं दो बातें कहकर मेरी बात समाप्त करती हूँ। भविष्य का जीवन इसका कैसा होने वाला है इसके विषय में भी कुछ ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। अर्थार्जन करेगा कैसे करेगा, न्याय नीति किसको कहते हैं, मूल्य किसको कहते हैं, सार्वजनिक जीवन में हमारा प्लेसमेंट कैसे होने वाला है, इसकी ट्रेनिंग शुरू करना। आज हम आगे का भविष्य का ऐसा कोई विचार नहीं करते। कितने लोगों को पूछते हैं 12वीं के बाद क्या करेंगे, साइंस में जाएंगे आर्ट्स में जाएंगे क्या बनने वाले, वो तो 12वीं के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। रिजल्ट कैसा आएगा वो तो जैसे परीक्षक होंगे वैसा, परीक्षक होंगे वैसा कैसे आएगा, जैसे हम होंगे वैसा आएगा।